नमस्कार। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव और उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव और उपचुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, क्योंकि इस चुनाव के नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल की तरह हैं और उपचुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण माने गए हैं। जिसमें अगर बात की जाए, पहले चरण के लिए यहाँ 37 जिलों में वोटिंग हुई थी, जबकि दूसरे चरण के लिए 38 जिलों में यहाँ वोटिंग देखने को मिली है। और अगर बात की जाए तो कर्नाटक चुनाव के भी फाइनल नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत अपने दम पर मिला है। 136 सीटों के आसपास कांग्रेस यहाँ जो है रिजल्ट के तौर पर देख रही है, जबकि बीजेपी को यहाँ पर करीब 40 सीटों का नुकसान 2018 के मुकाबले देखने को मिला है। और इस चुनाव के नतीजे भी लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। जेडीएस 20 सीट और अन्य की बात की जाए तो 4 सीट अन्य के पक्ष में रहे हैं। लेकिन कर्नाटक का सीएम कौन होगा, क्या या फिर सिद्धरमैया या फिर डीके शिव कुमार पर पैच फंसा हुआ है, इस पर बहुत जल्द आपको अपडेट देने वाले हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं और यहाँ 17 निगम के जो नतीजे हैं, यहाँ पर बीजेपी सभी 17 निगम पर जो है यहाँ पर आगे चल रही है। सभी 17 निगम पर लगभग बीजेपी की जीत पक्की हो चुकी है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर उपचुनाव के भी नतीजे सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें 16 सीट और 96 सीट पर जो है उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जीत मिली है। जबकि रामपुर की स्वार सीट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का एक गढ़ था, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका यहां लगा है, जब 96 सीट पर भी यहां बीजेपी को जीत मिली है। एक बड़े मार्जिन से यहां बीजेपी ने जीत हासिल की है। इसके अलावा बात की जाए तो नगर निगम नतीजे लगभग जो आंकड़े हैं उसमें 1420 वार्डों के जो आंकड़े हैं उसमें बीजेपी 529 वार्डों पर आगे चल रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 127, कांग्रेस 56, बीएसपी 65 और अन्य की बात की जाए तो 143 वार्डों पर अन्य आगे चल रहा है। इसके अलावा नगर पंचायत के नतीजे भी की अगर बात की जाए तो 7170 वार्डों में यहाँ बीजेपी 593 वार्डों पर है, जो अब तक आंकड़े आए हैं। 2871 वार्डों के जो आंकड़े हैं उसमें समाजवादी पार्टी 215 वार्ड, बीएसपी 61 और अन्य की बात की जाए तो 1907 वार्डों पर अन्य यहाँ पर आगे चल रहे हैं। जबकि नगर पालिका के 199 जो आंकड़े सीटें हैं उसमें बीजेपी 105, समाजवादी पार्टी 26, बीएसपी 16 और अन्य की बात की जाए तो 45, कांग्रेस यहाँ 7 यहाँ पर नगर पालिकाओं पे कब्जा जमाने में सफल रही। तो उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव और उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन कर्नाटक चुनाव में यहाँ कांग्रेस ने जीत हासिल की है। अब आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव भी होने हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी ने यहाँ वापसी की है, बड़ी जीत यहाँ बीजेपी को मिली है, लेकिन कर्नाटक में हार हुई है। और ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण अपडेट देने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।